अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार तिल की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। इसको आप YouTube पर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है ये, साथ ही बहुत खस्ता और सॉफ्ट है। जब आप इसको खाएंगे तो ये मुंह में रखते ही घुल जाएगी। विंटर सीजन के लिए गुड़ और तिल दोनों ही बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर बच्चे आपके घर में तिल की गजक वगैरह खाते नहीं है तो आप इस तरह उनको बनाकर दीजिए, बहुत ही मज़े से ये खाएंगे। बच्चे ही नहीं बूढ़ों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये मुँह में रखते ही घुल जाती है, इसको चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी माउथ डिजॉल्विंग तिल बर्फी हमने कैसे बनाई है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर एक पैन को गर्म होने रख दिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 कप वाइट वाले तिल। इसको अगर वेट में मेज़र करते हैं तो ये हैं 250 ग्राम। अब इसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब ये अच्छे से भुन जाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी सी अरोमा आने लगती है और ये थोड़े चटकने लग जाते हैं। मिनिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको ड्राई रोस्ट करने में। तिल को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है और इसको मैंने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब गुड़ को हमें जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है इसमें और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम टू हाई के बीच। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बबल से दिख रहे होंगे आपको। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप प्योर घी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। प्योर घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं इसमें प्योर घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने के बाद इसमें जितने भी बबल्स फॉर्म हो रहे थे वो सब रिमूव होना स्टार्ट हो गए हैं। एक बार हम ठंडे पानी में इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के इसको चेक कर लेते हैं कि टूट रहा है या नहीं। गुड़ की ड्रॉप को तोड़कर चेक कर लीजिएगा कि वो टूट रही है या च्युइंगम की तरह खिंच रही है। अगर वो टूट रही है इसका मतलब गुड़ की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है तिल ऐड करने के लिए। और गुड़ अगर खिंच रहा हो च्युइंगम की तरह टूट नहीं रहा हो तो उसको 2 से 3 मिनट और पका लीजिएगा। हमने इसमें तिल ऐड कर दिए हैं, अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसको हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इतना पकाना है जब तक ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता और पूरी तरह से सिमट नहीं जाता। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें से घी जो हमने ऐड किया है वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है 3 to 4 मिनट्स। देखिए पूरी तरह से सिमट गया है और एक डो फॉर्म में आ गया है। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसको हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बड़े बर्तन में ही इसको सेट करिएगा तभी ये अच्छे से निकल पाएगी और इसके पीसेस हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ले ली है और इसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम इवनली फैला देंगे। आप चाहें तो इसको ग्रीस कर लें, लेकिन मैंने ग्रीस नहीं किया है इसको, क्योंकि हमारे तिल के मिक्सचर में ऑलरेडी घी है तो इसीलिए मैंने इसको ग्रीस नहीं किया है। अभी इसमें काफ़ी घी दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब यह ठंडा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से घी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब कोई भी एक कटोरी ले लें, उसको इस तरह से प्रेस करते हुए चारों तरफ फैला दें अच्छी तरह से। अभी मैं इसको ठंडा होने रख रही हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए 3 घंटे हो गए हैं और ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से जम गया है, यानी कि सेट हो गया है। हमने इसको बड़े बर्तन में सेट किया है इससे बहुत इजीली ये निकल गई है और बहुत इजीली इसके पीसेस भी हो जाएंगे। अब इसको तोड़कर हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। इस तरह भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये भी, लेकिन इसको चबाने में थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि बहुत हार्ड है ये। हम जो बर्फी बना रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट और मुँह में रखते ही घुल जाने वाली है। अब मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको ग्राइंड कर लिया है। देखिए इस तरह से अच्छा सा पाउडर बन गया है इसका। अब मैंने यहाँ पर एक डिश ले लिया है जिसे मैं इसको असेंबल करूँगी और मैंने इस डिश में एक टिश्यू पेपर लगा दिया है जिससे बहुत इजीली ये सेट होकर निकल जाएगा। अब इस डिश में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है हमारा ग्राइंड किया हुआ तिल का मिक्सचर। एक साथ पूरा ट्रांसफ़र मत करिएगा। मैंने एक बार आधा मिक्सचर डाला, उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया स्पून की हेल्प से। आप चाहें तो कटोरी की हेल्प से कर लें। और उसके बाद फिर आधा बचे हुए मिक्सचर को भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको भी अब हम स्पून की हेल्प से या कोई कटोरी की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अगर हम पूरा ही मिक्सचर एक साथ डाल देते हैं तो वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता और सेट नहीं हो पाता, और फिर जब हम इसको निकालते हैं या कट करते हैं तो ये पूरी तरह से बिखर जाता है।
अब हमारा थोड़ा सा जो लास्ट वाला बचा हुआ मिक्सचर था, ये हाफ कप मिक्सचर है हमारा। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपको अगर कोको पाउडर का टेस्ट कड़वा लगता है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकती हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इससे पहले मैंने बनाई थी तो उसमें कोको पाउडर और पाउडर शुगर भी ऐड किया था, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बहुत मज़ेदार बनी थी वो भी। अब यहाँ मैंने कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके उसका मिक्सचर भी इस पे डाल दिया है। इसको भी हमें चारों तरफ फैलाते हुए टाइटली प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देना है। कोई भी स्पून से या कटोरी से, जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगे, उसको इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोको पाउडर की लेयर को भी अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं चॉप किए हुए पिस्ता स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी नट्स ऐड कर सकते हैं। अब पिस्ताशियो को भी हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर सेट कर दूंगी मैं। नट्स ऐड करने के बाद इसको हमें बहुत हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको सेट करना है, नहीं तो हमारे नट्स जो हैं वो अंदर चले जाएंगे और पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। लीजिए हमारी तिल की बर्फी बिल्कुल रेडी है। हमें इसको रख कर सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको अब कट करेंगे। बटर पेपर के कोने पकड़कर बहुत संभाल कर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके पीसेस कट करेंगे। आपको जिस तरह के भी पीसेस पसंद हो आप इसको कट कर सकते हैं, ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप में। मैं यहाँ इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। हमने पहले से ही डिश में बटर पेपर को सेट कर दिया था, जिसकी वजह से ये बिखरा नहीं निकालते वक्त। तो इसको सेट करने से पहले आप ज़रूर से बटर पेपर लगा लीजिएगा, जिससे इसको निकालते वक्त ये टूटेगा नहीं या बिखरेगा नहीं। तो देखिए हमारी डिलीशियस खस्ता मुंह में रखते ही घुल जाने वाली तिल बर्फी बिल्कुल तैयार है। इसको इजीली एयरटाइट कंटेनर में रखकर आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। पहली बात तो ये इतनी बचेगी ही नहीं कि आप इसको स्टोर करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आपके घर में आप ये बनाती हैं तो 1 से 2 दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपकी तिल की बर्फी कैसी बनी। आपकी फैमिली में ये डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आने वाली है। वाकई में ये बहुत टेस्टी, मज़ेदार और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली गजक है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, और ये पूरी तरह से फ्री भी है, तो प्लीज़ जल्दी से इसको प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।